और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अब अदालत पहुंच चुका है। अदालत ने मामले पर याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस मामले में दो पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया है। आज अदालत ने इस मामले में मालिकाना हक की याचिका को स्वीकार किया और नोटिस जारी कर दिया। इस मामले के और पक्षकार उनको नोटिस जारी किया गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट दोनों को इस मामले में अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण विराजमान की तरफ से यह याचिका लगाई गई थी मालिकाना हक के लिए। 8 लोगों की यह याचिका है जिसे अदालत ने आज स्वीकार कर लिया। तो इस मामले में याचिकाकर्ता के साथ हैं विष्णु जैन वकील और साथ ही जफर याब जिलानी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी जुड़े हैं। उन दोनों का क्या कहना आपको सुनवा दें। हमारा स्पष्ट रूप से कहना यही था कि भक्त और डेटी दोनों को राइट होता है केस दायर करने का। अगर शिबायत और अगर ट्रस्टी नेग्लिजेंट रहा है और उसके सामने अगर डेटी की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हुआ है तो उनको पूरा पूरा अधिकार है उसकी आवाज उठाने का, उसके लिए लड़ाई लड़ने का। और ये सुप्रीम कोर्ट ने पांच जज के जजमेंट में राम जन्मभूमि के केस में पैरा 346 में यही बात होल्ड की गई है और वो सारी बातें आज हम जिला जज के सामने लाए, जिसपे जिला जज ने सुनवाई करते हुए आज सारे चारों पार्टियों को नोटिस जारी किया है और इसमें अगली डेट हियरिंग की 18 नवंबर की। जिन लोगों ने मामला उठाया है आपका उन पर कोई कंट्रोल है तो फिर आप आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आपको कंट्रोल है? फिर उनको इस देश की सियासत अपने अंदाज से करनी है, जो उनकी ज़रूरत होगी उस लिहाज से वो तो इशू उठाइए। तो ना आप ना मैं उनको रोक नहीं सकता है करने में, देश में जमहूरियत है, कोर्ट में कोई भी जा सकता है। तो इसलिए आप इस मामले में कोई आवाम के ऊपर छोड़िए, आवाम गुमराह ना हो जैसे इस मामले में हुए। तो सुना आपने जफर याब जिलानी को। हमारे साथ संजय शर्मा आ गए हमारे सहयोगी, इस खबर पर और जानकारी लेकर लाइव मौजूद हैं। संजय शर्मा, जफर याब जिलानी एक तरफ तो कहते हैं कि भाई ये लोकतंत्र है, कोई भी अदालत जा सकता है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि देखिए इस मामले में कहीं जनता गुमराह ना हो जाए, मतलब क्या है? जी हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र में कोई भी आदमी अदालत जा सकता है और आज तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ तक आ गए कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है लिहाजा वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। फिलहाल ये तो बात हो गई इसकी। इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि 1991 का वो कानून जो संसद ने पास किया था, लेकिन जो लोग अदालत गए हैं ये इनके लिए एक बड़ा मोड़ है कि पिछली बार सत्र न्यायाधीश ने इस मामले को सुनने से मना कर दिया था और उनको इसमें लगा था कि कोई भी भक्त आ सकता है, इसलिए इसमें कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने इस मामले को सुनवाई के लिए योग्य माना है और सुनवाई नवंबर में फिक्स की है। तो सच में ये एक जुडिशरी के इतिहास में और भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ तो है ही ये मुकदमा। तो क्या ये समझा जाए कि राम जन्मभूमि विवाद सुलझने के बाद अब ये दूसरे की तरफ कदम बढ़ गया? जी हाँ बिल्कुल इसका। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर भी वहाँ की अदालत में मामला है और उसकी भी सुनवाई अगले नवंबर में ही तय की गई है, यानी दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद। काफी गहमा गहमी भरा अदालतों का के गलियारे गहमा गहमी भरे होंगे और जाहिर है कि काशी विवाद को लेकर भी अदालत पहुंचे हैं लोग, जिसमें ज्ञानवापी जो काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी जो कूप है उस पर उसको अभी घेराबंदी उसकी चल रही है और इसके बाद फिर इस मामले को भी लेकर आया जा रहा है कि वहां जो मस्जिद बनी है वो अवैध है और वो एक कब्जा करके बनाई गई है, तो उसे भी लेकर आ रहे हैं। यानी अदालत में अब ये दोनों मामले पैरेलल चलेंगे मथुरा और काशी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा फिलहाल जानकारी देने के लिए। संजय शर्मा जानकारी दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मामले को लेकर भी अब अदालत में सुनवाई शुरू।